सिर्फ ब्लास्टर ही नहीं, ये पूरा माइंड बोगलिंग है। सरकारी स्कूल इस तरीके से डेवलप होना शायद ही ये देश में पहली बार है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा नतीजा मिल रहा है। कहीं अन्य चीज़ों के अलावा जो बिजनेस ब्लास्टर करिकुलम इन्होंने लाया है, उसमें बच्चे एंटरप्राइजिंग हो रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, जॉब सीकर के अलावा वो जॉब प्रोवाइडर बन रहे हैं। ये हमारे जैसा बड़ा आबादी रखने वाला देश के लिए बहुत ही ये अच्छा है। मैं दिल्ली सरकार को बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा काम है। हमने भी तेलंगाना राज्य में, जो हमारे तेलुगु भाषा में कहते हैं अपना गांव अपना पाठशाला, हमने शुरू किया है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ सुधार है, लेकिन जो यहाँ से सीखने को हमको मिल रहा है, ज्ञान कहीं भी किसी के टेके में नहीं होता। जो लोग प्रयास करके उससे प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग जहाँ प्राप्ति हो सकती है वहाँ से प्राप्त करना चाहिए। अब हम ये सोच रहे हैं इसको देखने के बाद में, डेफिनेटली हमारे मंत्री जी भी है, प्रशांत रेड्डी जी हमारे साथ में, वो PWD के मिनिस्टर है, जिस प्रकार के ये बिल्डिंग सुंदर सी बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और करिकुलम भी जो कम्प्लीटली चेंज हुआ है, विद्यार्थियों का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हम ज़रूर दिल्ली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे CM साहब से कि हमारे अधिकारियों को यहाँ भेजेंगे, जो भी ओरिएंटेशन यहाँ से प्राप्त हो सकता है हम ले लेंगे, और इनको भी ऑफिसर्स को भी वहाँ ले जाके बताएंगे कि किस प्रकार से अच्छा डेवलप किया जा सकता है। अभी सर जिस तरह से पॉलिटिक्स की भी बातें हो रही है, आम आदमी पार्टी और CM अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे कि हम एजुकेशन को मुद्दा बना रहे हैं पॉलिटिक्स का, आपको लगता है अभी के समय में और जब आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चा हो रही है ये ऐसा है? पॉलिटिक्स कुछ और चीज़ है, जिस पवित्र जगह में हम लोग खड़े हैं ना उसको बाहर ही बात करना ठीक है। एजुकेशन पॉलिटिक्स का मुद्दा बन रहा है? नहीं, कई मुद्दे हैं, मैं बाद में बताऊंगा।